हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है क्लास 12th वाले सीरीज का। इसमें हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसका ये पार्ट टू है। और इस पहले वाले पार्ट में हमने मेनली डिस्कस किया था चेंज इन पीएसआर, और इस पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी बोला जाता है, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, जो चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें मैंने डिस्कस किया था थोरली इसके बारे में, तो मैं ऊपर से ही थोड़ा बहुत कुछ और बता देता हूं उसी के बारे में। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है और इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है, और गुडविल भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है तो वो भी उसी में कवर होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। गुडविल दो तरह का होता है, पहला गुडविल सेल्फ जनरेटेड और दूसरे का नाम है परचेस्ड गुडविल। जो मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए कोई भी पेमेंट, नो पेमेंट्स, अगर पेमेंट नहीं है तो उसका मुझे प्राइस पता नहीं चल पाएगा कि मेरा कॉस्टिंग क्या लगा, कुछ तो पैसा लगा नहीं, बस कंपनी चल रही और साथ साथ उसका जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ इयर्स आगे जा रहे हैं, यानी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो रहा है, बिजनेस बढ़िया हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसका गुडविल का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक पेमेंट नहीं हुआ है। और परचेस गुडविल में पेमेंट होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पेमेंट हुआ उतना गुडविल का मेरा वैल्यू हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। लेकिन ये जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो ये मना करता है कि मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में कवर, मतलब ये अकाउंटिंग 26 बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सेल्स जनरेटेड जो हमारा गुडविल होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर दिखाया जाएगा लोगों का गुडविल हुआ नहीं, फिर वो अपने बुक्स को बढ़िया दिखाने के लिए वो बोल देंगे मेरे गुडविल का वैल्यू करोड़ों में है। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से मना कर रखा। आगे बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम, न्यू पार्टनर हुआ एक्वायर्स द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो नया पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में लेता है वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही लेता है, और इसीलिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपेंसेट करता है बाय पेइंग, क्या देके, कुछ अमाउंट देके, जिसका नाम है गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर शुड कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम एन अमाउंट टर्म्ड एज गुडविल या प्रीमियम ऑन गुडविल। तो आपको ये बात पता चल गया कि ये जो गुडविल और प्रीमियम ऑन गुडविल आ रहा है टर्म वो कहां से आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो मेनली 5 पार्ट्स में बांटा गया। पहला कि गुडविल पेड प्राइवेटली, अभी मैं नाम पे ही जाऊंगा, मैं ज्यादा उसको थोरली नहीं बताऊंगा, मैं इस पे आगे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला गुडविल पेड इन प्राइवेट, पेड प्राइवेटली, Goodwill is brought in cash and check by new partner and retained in the business. Goodwill is brought in cash and cash check by new partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partially. Goodwill brought in kind or goodwill not brought in full or part by the new partner. इन सभी को अभी हम आगे separately discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बताऊं कि अगर मेरे balance sheet में goodwill appear हो रहा है तो फिर मैंने जो पिछला चैप्टर करवाया था आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें क्या बोला था कि अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट में आ रहा है तो उसको करेंगे देन इट विल बी रिटेन ऑफ, उसका वैल्यू नील करेंगे
और गुडविल क्या है, एसेट है, एसेट है तो उसका बैलेंस क्या हो रहा होगा, डेबिट है, तो उसको नील करने के लिए क्या कर देंगे, गुडविल को तो कर देंगे क्रेडिट। और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली जो भी अकाउंट मेंटेन हो रहा हो फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग उसको कर देंगे डेबिट। तो हमारा ये जनरल एंट्री पास होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या मैंने बोला था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में कौन से पार्टनर होंगे, केवल ओल्ड पार्टनर ही होंगे, न्यू पार्टनर तो होगा नहीं। तो इसमें तो सोचने वाला बात नहीं है कि कौन से रेशियो में होगा, किस रेशियो में होगा, ओल्ड पीएसआर में होगा। ये जो शेयर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनका, उनके ओल्ड रेशियो में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंस सीट में मेरे गुडविल का बैलेंस आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और ओल्ड रेशियो में। अब बात करते हैं, देयर कैन बी फॉलोइंग फाइव सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या था, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि नया पार्टनर तो आ रहा है मेरा, लेकिन नया पार्टनर तो आ रहा है लेकिन उसको क्या किया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है कि जिस पार्टनर से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से उसने अपना शेयर लिया, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के घर जाता है और उनको प्राइवेटली पैसा दे देता है। यानी क्या फर्म के पास पैसा कुछ आया, कोई भी पैसा नहीं आया। तो फिर जब, और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसका अकाउंटिंग करते हैं, फर्म का अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम उस पार्टनर का, उन पार्टनर्स का अकाउंटिंग करते हैं, नहीं, हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म का। आपने फीचर में पढ़ा भी होगा कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फर्म एंड इट्स पार्टनर आर सेपरेट, लीगली दे आर नॉट सेपरेट बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है। तो अगर जो नया पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अगर उसके घर पे जाकर उसको पेमेंट करता है और उस पैसे से फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म के पास कोई पेमेंट नहीं आया, तो क्या फर्म कोई अकाउंटिंग करेगी? तो नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, नो एंट्री टू बी पास्ड। अब फर्म घर घर जाके तो देखेगी नहीं कि किसने किससे क्या पैसा लिया, तो इसीलिए अगर प्राइवेटली पेमेंट होगा तो उससे उसका कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगा। अब इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारा इलस्ट्रेशन 18, एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, जेड पेड इतना डायरेक्टली टू एक्स एंड वाई, यानी डायरेक्टली, यानी प्राइवेट पेमेंट हो गया, ये उनके घर गया और उनको जो भी पैसा देना था वो दे दिया वो प्राइवेटली एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। पास द नेसेसरी जनरल इनटू बुक्स ऑफ अ फर्म, जब इन्होंने डायरेक्टली एक्स वाई को पे किया तो क्या फर्म को उससे कोई मतलब है? अगर पैसा आता फर्म को, फर्म के पास, तब फर्म को मतलब होता। जब जेड गए और एक्स वाई को प्राइवेटली पेमेंट कर दिया तो क्या कोई जनरल एंट्री होगा फर्म्स के बुक में? तो आंसर है इसका नो जनरल एंट्री, एज द पेमेंट हैज बीन मेड प्राइवेटली, पेमेंट हैज बीन मेड प्राइवेटली, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन हमारा क्या था कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड चेक बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। तो करते हैं, वो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश या चेक, यानी कि जो न्यू पार्टनर है, मेरा जो न्यू पार्टनर है, एक बात समझिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि न्यू पार्टनर क्या क्या लाएगा। पहला तो वो अपना कैपिटल लाएगा, ठीक है, और दूसरा वो क्या लाएगा, वो अपना प्रीमियम ऑन गुडविल लाएगा। जो शेयर ले रहा है जिन पार्टनर से, उनको गुडविल देगा ना, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। तो एक बात बताइए मुझे आप कि पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसके लिए क्या एंट्री होगा? उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक या कैश जिस मोड में लाएगा, यानी कैश या बैंक, जो भी आएगा डेबिट हो जाएगा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हर सिचुएशन में होगा ही, क्योंकि बिना कैपिटल का तो कोई पार्टनर आएगा नहीं।
अब देखिए, अब दूसरा सिचुएशन क्या होगा, वो क्या ला रहा है अगला, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अच्छा, अब वो लाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी किस चीज में ला रहा है, ये सिचुएशन में क्या होगा, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश या चेक, ये इन चेक भी है स्लैश में, गुडविल ला रहा है कैश और चेक में, तो वो भी इसके लिए क्या एंट्री होगा मेरा, कैश, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फिर टू, यहां पे भी टू आएगा, टू प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया मेरा, ठीक है। तो यहां पे पार्टनर दो चीज लाया, पहला अपने पार्ट ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल का शेयर लाया और उसको जो प्रीमियम ऑन गुडविल देना था, जिसको किसको देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये ओल्ड पार्टनर को नहीं जाता है, ये किस पार्ट, ओल्ड पार्टनर में से ही हो सकता है, कोई एक पार्टनर, कोई दो पार्टनर या सारे पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, तो उन पार्टनर्स को ये प्रीमियम ऑन गुडविल जाएगा। तो फिर ये तो अभी लाया, तो अब इस प्रीमियम ऑन गुडविल को किसको दे देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके पास चला जाएगा, इसको कर देंगे डेबिट और ये चला जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसी हिसाब से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो क्यों आता है, क्योंकि उसने उनसे से उनका शेयर लिया है, यानी जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा, अगर एक पार्टनर है तो रेशियो तो नहीं निकलेगा, जितना सेक्रीफाइसिंग शेयर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सारे दो तीन पार्टनर हैं तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे प्रीमियम गुडविल जितना भी लाएगा वो, समझ गए। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 19 टीएस अग्रवाल सर के बुक का, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी, C is to bring his share of premium on goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 40,000. Past necessary general entry. करते हैं। पहले तो new share निकाल लेते हैं, मतलब sacrificing gaining से ये सब कुछ निकाल लेते हैं। तो A और B, पहले कौन था? A और B. बाद में आ गया C. पहले ratio था 3:2, यानी 3/5. Old है ये, 3/5, 2/5 और C का उस time था 0. Old. यहीं पे न्यू क्या बन गया हमारा, न्यू पे भी बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, बी सरेंडर, ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन, यानी कि उनका जो भी शेयर था उसका हाफ हाफ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, यानी इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया अपना हाफ, यानी 3/5 - 3/5 × 1/2, और ये जो माइनस यहां पे सेक्रीफाइस हुआ यहां पे आके एड हो गया, वैसे इन्होंने कितना किया 2/5 - 2/5 × 1/2, यानी इनके ये भी ऐड हो जाएगा, ये वाला 2/5 × 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/10, ये हो गया 2/10 और ये हो गया हमारा 5/10, यानी न्यू PSR जो होगा, न्यू PSR क्या हो जाएगा हमारा, 3:2:5, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:5। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस क्या है, इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है, कितना कितना, इसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, इतना शेयर सेक्रीफाइस किया, तो ये हो जाएगा 3/10 सेक्रीफाइस किया, या आप सीधे ऐसे बात करिए ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 - 3/10, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/10, वैसे ही इसका ओल्ड था 2/5 - new 2/10, इसने भी सेक्रीफाइस किया 2/10, सी ने सेक्रीफाइस तो किया नहीं, इसने गेन किया, तो यहां से हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/10 और बी ने किया था 2/10, तो यहां से निकल गया 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकल सकता है, जब मिनिमम टू पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, यहां पे ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया 3:2।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000. गुडविल जो था फर्म का कितना का था? गुडविल था 40,000 का. तो एक बात बताइए, जो सी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कितना होगा? सी का जो शेयर है गुडविल का, फर्म का गुडविल कितना है? 40,000. अब जैसे ही सी आएगा और सी का शेयर कितना होगा मेरा? 5/10 है. सी आएगा और सी का शेयर 5/10 है, यानी जो हमारा फर्म का गुडविल का वैल्यू है 40,000, उसमें से 5/10 किसका हो जाएगा? सी का हो जाएगा. यानी सी को कितने का बेनिफिट मिला? 20,000 का. तो सी कितने के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपेंसेट करेगा? 20,000 के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 20,000. तो पहला जो हमारा जनरल एंट्री पास होगा, वो कैश लाने के लिए होगा. तो कैश लाएगा तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल. कितना उसका शेयर था? 20,000. नरेशन में डाल देंगे बींग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, इन कैश. अब ये प्रीमियम ऑन गुडविल क्या सी का है? नहीं, ये प्रीमियम ऑन गुडविल बढ़ जाएगा जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है. किन्होंने सेक्रीफाइस किया? ए और बी ने. ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया? इन्होंने 3:2 के रेशियो में. यानी जो ये 20,000 आया हुआ है, ये 20,000 किसको बट जाएगा? ए और बी को. तो बटने के लिए क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन गुडविल को कर देंगे डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल. तो ये 20,000 हो गया और ये बट जाएगा 20,000 3:2. तो 3:2 में बटने के लिए ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा हमारा 8,000. समझ गए? ठीक. नरेशन में लिख देंगे बींग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम ऑन गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, तो ये होता है. अब ये एक और बात बताता हूं मैं. ये जो सेक्रीफाइस हुआ, ये जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, यानी ये जो प्रीमियम गुडविल आया किसके लिए आया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया था. और हमने इसीलिए ये जो प्रीमियम था उसको किसको बांट दिया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया यहाँ पे. और किस रेशियो में बांटा? जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया. अब ये पार्टनर्स पे है कि क्या वो अपना पैसा निकालते हैं या नहीं निकालते हैं. ठीक है, तो थर्ड जो सिचुएशन, ये जो सेकेंड सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. यानी जो जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था उसका हक तो था कि वो निकाल ले, लेकिन उसने उस पैसे को निकाला नहीं, उसने अपने कैपिटल में बस क्रेडिट करवा के छोड़ दिया. तो अगला जो सिचुएशन है वो क्या है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, आया कैश में, लेकिन और फिर उसमें से कुछ जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने थे उन्होंने फुली या पार्शियली जो भी है विड्रॉ कर लिया. ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली या पार्शियली. तो जनरल एंट्री क्या आएगा? पहला कैश है बैंक में, आया पैसा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल. ये पहले वाले में भी हमने किया था. दूसरा क्या है? प्रीमियम ऑन गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा, सेक रेशियो में होगा, ये भी हमने डिस्कस किया. अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करें तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. ये बस नया है इसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल जितना भी आप पार्शियली यानी कि पूरा नहीं निकाल रहे हैं और फुली यानी पूरा निकाल ले रहे हैं, यानी जितना यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा उस सिचुएशन में. अगर फुली होगा तो, और पार्शियली तो फिर जितना क्वेश्चन में बोलेगा वो. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे भी निकाले हो. ये एक एडिशनल, ये वाला एक एंट्री जो है एडिशनल है इस सिचुएशन में, और कोई नहीं है. तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं.
क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 24 30 ग्रेवाल सर के बुक का है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। स्ट्रॉन्ग और वीक पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड एबल एज पार्टनर फॉर 1:4 शेयर इन प्रॉफिट। तो बनाते हैं पहले, ये हो गया स्ट्रॉन्ग वीक एबल, ओल्ड रेशियो क्या था 2:3 था, तो ये हो जाएगा ओल्ड 2/5, ये 3/5, और ये ओल्ड पार्टनर में था नहीं तो इसका जीरो है। अब क्या बोल रहा है कि ऑन इतना दे एडमिटेड एबल फॉर 1/4 शेयर, यानी टोटल का 1/4 इसको मिल गया, यानी एबल का न्यू शेयर तो निकल गया 1/4। एबल ब्रॉट 1 lakh एज हिज कैपिटल एंड 36,000 एज हिज प्रीमियम फॉर हिज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वीक एबल इज एग्रीड है इतना, यानी न्यू रेशियो 3:3:2, यानी 3/8 और ये तो 2/8 हो गया, तो 1/4 हो गया, तो 3/8 और ये हो जाएगा इनटू, अगर कर देंगे ऊपर नीचे 2 से, तो ये हो गया 2/8। तो यहां से अगर हम सेक्रीफाइस निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, इसका है 2/5, यानी 0.4 के आसपास आएगा, और ये 0.3, यानी इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। कितना ओल्ड ज्यादा है, तो 2/5 माइनस 3/8, ये हो जाएगा 1/40। वैसे ये होगा, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/5 माइनस 3/8, यानी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, और इसने तो सेक्रीफाइस किया नहीं, इन्होंने तो गेन किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलेगा, दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया, तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा किसके किसके बीच का है, स्ट्रॉन्ग इज टू वीक 1/40 इज टू 9/40, तो ये हो जाएगा 1:9, ठीक है, 1:9 हो जाएगा, यानी जो भी प्रीमियम आएगा वो किस में बटेगा, स्ट्रॉन्ग को 1/10 मिलेगा और वीक को 9/10 मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, एबल ब्रॉट 1 lakh एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल कितना ला रहा है 1 lakh। तो फिर इसके लिए पहला एंट्री क्या हो जाएगा, कैश बैंक डेबिट टू एबल्स कैपिटल, एबल्स कैपिटल अकाउंट कितना 1 lakh, और 1 lakh बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉट, बीइंग शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉट। दूसरा क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, दूसरा बोल रहा है एंड 36,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर हिज, यानी ये जो 36,000 ये उसका शेयर है, फुल प्रीमियम वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं है, गुडविल का वैल्यू नहीं है 36,000, क्या है ये 36,000 उसका शेयर है, यानी वो ला रहा है, बोल रहा है ना। हाँ, एबल ब्रॉट इतना एज हिज कैपिटल एंड इतना एज हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो 36,000 गुडविल में आ रहा है, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, कैश एंड बैंक डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल 36,000 और 36,000 बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट, बीइंग बीइंग प्रीमियम ऑन गुडविल ब्रॉट। अब बात करते हैं कि ये जो प्रीमियम ऑन गुडविल 36,000 आया है वो किसको बढ़ जाएगा, वो जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनको बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम ऑन गुडविल को कर देंगे हम लोग डेबिट, कितना लाया था, कितना उसका शेयर है 36,000, अब ये चला जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, टू स्ट्रॉन्ग और टू वीक किस रेशियो में, 1:9 के रेशियो में। तो टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल और टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल को एस कैपिटल लिख रहा हूं और टू वीक्स कैपिटल को डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, किस रेशियो में 9:9:1 में, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 32,400 और ये हो जाएगा 3600 बीइंग प्रीमियम ऑन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, और उनका जो स्ट्रॉन्ग और वीक का जो भी जितना भी पार्ट था प्रीमियम गुडविल का, उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकालेंगे तो जैसे भी निकालेंगे, अगर कैश में तो कैश और बैंक से तो बैंक, दोनों को डेबिट कर देंगे, सॉरी डेबिट इनको करेंगे, इनको क्रेडिट, कैश और बैंक को तो क्रेडिट करेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट यानी स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैश या बैंक जैसे भी होगा। तो जिसका जितना शेयर होगा उतना ही निकाल पाएंगे। इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितना आया था, 32,400, और वीक्स के कोरिस्पॉन्डिंग, वीक के कोरिस्पॉन्डिंग 3600। तो इन्होंने निकाल लिया, फुली निकाला, यानी ये सिचुएशन फुली वाला है, पार्शियली होता है तो जितना जितना बोलते वो लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन, प्रीमियम फॉर गुडविल फुली विड्रॉन, फुली विड्रॉन, ठीक है। ये इसी एंट्री का मतलब अलग है, बस सेकेंड और थर्ड सिचुएशन में यही एंट्री है, एक्स्ट्रा है थर्ड वाले सिचुएशन में, ठीक है। अगला मेरा जो पॉइंट था वो क्या था, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड कहने का मतलब कि जो गुडविल आ रहा है वो किसी एसेट के रूप में आ रहा है। अगर कैश में आता है गुडविल तो किसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को। अगर एसेट में आएगा, किसी भी एसेट, अगर एसेट मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, जिस भी नाम से हो, उस एसेट को कर देंगे डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, ऑन गुडविल। हो सकता है कि वो अपना कैपिटल का भी पार्ट किसी एसेट में लाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एसेट आएगा तो कोई। और आगे जाके हम लोग इन दोनों एंट्री को मर्ज कर देंगे, सीधे बोलेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। तो इस पे भी एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन 1st अप्रैल 2019 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/13th शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ये सब कुछ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सब कुछ निकाल लेते हैं। ये हो गया फॉर्मेट ओल्ड डिम एक्स वाई जेड, ये 3:2 था तो 3/5, और ये 2/5, जेड का 0 है। अब क्या बोल रहे हैं कि न्यू शेयर क्या होगा, जेड को 3/13 मिल रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका न्यू 3/13। और आगे बता रहा है न्यू रेशियो 5:5:3 है, तो ये 5/13 और इसका तो 3/13 है ही, 5/13। इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना कितना है। इस केस में ओल्ड ज्यादा है तो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इस केस में भी ओल्ड ज्यादा है और न्यू कम है तो यहां पे भी इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया। और फिर इसने तो क्या किया, गेन किया, तो इन्होंने तो सेक्रीफाइस किया नहीं, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, सेक्रीफाइस रेशियो किसमें किसमें आएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है कौन कौन, एक्स और वाई, कितना होगा 14:1, ठीक है, 14:1 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हम लोग। जेड कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी ये सब एसेट ला रहे हैं, स्टॉक इतना, डेटर इतना, लैंड इतना, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। On the date of admission of Jet, goodwill of the firm was valued at 10,40,000. यानी total firm का goodwill है 10,40,000. तो Jet का share निकाल लेते हैं कितने का है? Goodwill of the firm कितना हो गया? 10,40,000. Jet share कितना हो जाएगा? Total goodwill का firm का goodwill कितना है? 10,40,000. ऊपर से Jet का share कितना हो जाएगा? 3/13. तो 10,40,000 में multiply कर देंगे 3/13 का, तो ये हो जाएगा 2,40,000। अब ये जो 2,40,000 लिया इन्होंने,
किससे लिया, एक्स से और वाई से, किस रेशियो में, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा हमारा कितना 14:1 के रेशियो में। तो इसको हम बांट देते हैं 14:1 के रेशियो में, यानी जो 240,000 आया वो एक्स के लिए कितना आया, 240,000 इंटू 14/15, और ये है 240,000 इंटू 1/15, तो इसमें से इनको मिलेगा 16,000 और इनको मिलेगा 224,000। यानी जो भी एसेट आया है उसमें से 240,000 है प्रीमियम के कॉरेस्पॉन्डिंग और बाकी सब उसका कैपिटल है। तो क्या जनरल एंट्री होता है इस सिचुएशन में, जो जो भी एसेट आया है उसको कर देंगे डेबिट। तो क्या क्या एसेट है लिख लेते हैं, स्टॉक, डेटर, लैंड और प्लांट मशीनरी। स्टॉक हो गया सारे डेबिट। अब अमाउंट देख लेते हैं, हो गया 80,000, 1,20,000, 2,00,000 और 1,20,000। तो ये जो सारा अमाउंट आया दो चीज के कोरिस्पॉन्डिंग आया, क्या क्या, उसका कैपिटल अकाउंट, तो टू जेट्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा टू प्रीमियम ऑन गुडविल, और उसका शेयर ऑफ प्रीमियम ऑन गुडविल कितना है, 2,40,000। यानी इसमें कितना चला जाएगा, 2,40,000, 2,40,000 अगर इधर गया तो इधर आ जाएगा 2,80,000, ठीक है, इन टोटल को ऐड करके और इसमें से माइनस कर दिया 2,40,000। नरेशन में डाल देंगे बीइंग एसेट्स कंट्रीब्यूटेड, एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय जेड एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगला क्या करेंगे, जो प्रीमियम ऑन गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई को, प्रीमियम ऑन गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, कितना था 2,40,000, 2,40,000 बटा था 2,24 और 16,000 में हो गया। यहां पे लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ऑन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बड़ा लिखना है तो लिख दीजिए इन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये भी यहां पे हुआ खत्म। अगला क्या था, अगला था हमारा व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट, यानी कि गुडविल पार्टनर ने फुल और पार्ट में नहीं लाया पार्टनर। तो पहला जो लाएगा कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ये जो मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नया पार्टनर होगा जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक काम हो रहा है, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपना जो कैपिटल का पार्ट लगा उसको डेबिट कर देंगे। और प्रीमियम नहीं लाया कोई बात नहीं, प्रीमियम के कॉरिस्पॉन्डिंग उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में बोले कैपिटल या करेंट अकाउंट, उसको कर देंगे हम लोग डेबिट। कहां चला जाएगा ये प्रीमियम ऑन गुडविल, यहां से पैसा निकाल लेंगे, यानी कि जो वो अपना कैपिटल के कॉरिस्पॉन्डिंग पैसा लाएगा उसी का हम यूज कर लेंगे प्रीमियम ऑन गुडविल। और फिर क्या करेंगे, जो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट है उसको कर देंगे डेबिट, और ये चला जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि अगर वो पैसा नहीं लाया या तो पूरा या पार्ट, तो फिर उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं करेंट अकाउंट डेबिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करेंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली 2017 में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 27। करण और वरुण वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 2,00,000 और 3,00,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। किशोर ब्रॉट 2,00,000 फॉर हिज कैपिटल व्हिच वाज टू बी केप्ट फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड कैपिटल है
यानी कि उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख और लाइक दी कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, यानी जो किशोर का शेयर है 1/4 ये कौन दे रहा है, टोटली वरुण से ही आ रहा है। ठीक है, तो पहले पीएसआर का काम कर ही लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया करण वरुण किशोर ओल्ड न्यू और सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था मेरा 1:2, यानी कि करण 1/3 वरुण 2/3 और किशोर पार्टनर था नहीं तो उसका 0। अब क्या बोल रहा है कि किशोर आता है 1/4 शेयर के लिए, तो किशोर का न्यू शेयर क्या हो गया 1/4। और क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि जो किशोर ने 1/4 शेयर लिया है, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, यानी उसको किसने दिया वरुण ने, यानी वरुण का जो न्यू शेयर हो जाएगा उसमें से माइनस हो जाएगा 1/4। और करण में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, उसका पहले भी 1/3 था बाद में भी 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5/12। ठीक है, इसका न्यू शेयर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इसको भी 12 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 4/12। वैसे ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3/12, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग करण इज टू वरुण इज टू किशोर कितना हो जाएगा 4:5:3। यानी यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया, वरुण ने सेक्रीफाइस किया कितना शेयर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया इसने, तो कुछ करण ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया। और इसने क्या किया, इसने भी गेन किया 1/4 शेयर। ठीक है, यानी जो भी प्रीमियम आएगा वो किसको चला जाएगा, केवल और केवल वरुण को, क्योंकि प्रीमियम किसके लिए आता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। आगे पढ़ते हैं, और वो क्या लाया, पहले जो किशोर 2 लाख लाया अपने कैपिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख और 2 लाख बीइंग कैश ब्रॉट फॉर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन। अच्छा, बोल रहा कि किशोर के एडमिशन के टाइम पे गुडविल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये अब एक टर्म है हमारा हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल कहने का मतलब मैं उसको भी इसी क्वेश्चन में कर लेता हूं, हिडन गुडविल भी। ठीक है, हिडन गुडविल का मतलब कि गुडविल का अमाउंट आपको दिया नहीं रहेगा। ठीक है, गुडविल का वैल्यू आपको दिया नहीं रहेगा, जो भी डिटेल है उसके सहारे आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुडविल का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा अगर प्रीमियम और गुडविल कैलकुलेट करना है। प्रीमियम और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जरूरी है कि आपको ये पता चले कि फर्म के का गुडविल का वैल्यू कितना है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में इन्होंने गुडविल का वैल्यू नहीं बताया और बोले कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन। ठीक है, तो किशोर के, अब एक बात बताइए आप, करण और वरुण, अच्छा जो न्यू शेयर ऑफ करण एंड वरुण, या बात करिए न्यू शेयर ऑफ किशोर, किशोर का जो नया वाला या जो भी उसका शेयर है 1/4 है। हिडन गुडविल निकालने के लिए पहले लेंगे किशोर का शेयर कितना है 1/4, और किशोर 1/4 शेयर के लिए अपना फिक्स्ड कैपिटल कितना ला रहा है 2 लाख, और किशोर्स कैपिटल ला रहा है 2 लाख। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि टोटल नेट एसेट ऑफ द कंपनी कितना होना चाहिए ऑफ फर्म कितने हैं, यानी 1/4 है तो मान लेते हैं x है bx, यानी x/4 है मेरा 2 लाख, तो x कितना हो जाएगा मेरा 8 लाख। कहने का मतलब कि कंपनी का नेट एसेट कितना है मेरा 8 लाख। अच्छा, अब हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे,
गुडविल निकालने के लिए जो नेट एसेट आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा गुडविल होगा। नेट एसेट कितना निकला मेरा 8 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे तीनों पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल, इसका है 2 लाख 3 लाख और किशोर का है फिर 2 लाख, तो 2 लाख फिर प्लस 3 लाख और फिर प्लस 2 लाख, सॉरी तो यहां पे माइनस करने के बाद आएगा 1 लाख, यानी फर्म्स गुडविल कितना हो गया मेरा 1 लाख का। यानी ये निकालने का तरीका है, अगर गुडविल ना दे तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का भी क्वेश्चन हो गया और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम और गुडविल का भी, दोनों इसी क्वेश्चन में है। तो गुडविल निकालना आप लोग सीख गए। अब यहां से फर्म्स गुडविल कितने का हो गया 1 लाख का, तो किशोर का शेयर कितना हो गया हमारा, किशोर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया हमारा 1/4 शेयर था, तो 1 लाख इंटू 1/4 यानी कि इसका शेयर हो गया 25,000 का, यानी उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल के कोरिस्पॉन्डिंग कितना रुपया लाना था 25,000, लेकिन वो लाया नहीं, तो करेंगे क्या ना, अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल हो जाता, अब लाया नहीं है तो फिर यूज करेंगे हम लोग पार्टनर्स, यानी पार्टनर कौन सा पार्टनर, वही जो न्यू पार्टनर है हमारे, यानी किशोर करेंट अकाउंट एक ओपन कर देंगे, सिंस की फिक्स्ड कैपिटल मेथड था तो यहाँ पे करेंट अकाउंट यूज करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यूज कर लेते, तो किशोर कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल हो जाएगा, कितने का वही 25,000 उसका शेयर है, नरेशन में लिख देंगे बींग करेंट बींग की सोर्स करेंट अकाउंट यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन गुडविल, ठीक है। अब इस प्रीमियम ऑन गुडविल को क्या किसको दे देंगे, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा किससे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया था, किसने सेक्रीफाइस किया देखते हैं, सेक्रीफाइस किसने किया था यहां पे पता चल जाएगा, सेक्रीफाइस किया है वरुण ने, तो वरुण के करेंट अकाउंट में चला जाएगा टू वरुण्स करेंट अकाउंट, ठीक है, कितना 25,000, नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ऑन गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करेंट अकाउंट, इसमें केवल वरुण ने सेक्रीफाइस किया था तो इसीलिए उसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा पांचों केस कवर हो गया, और इस ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसमें हमने दोनों पार्ट पढ़ लिया, पहला तो हिडन गुडविल और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस नो कैश और कैश और अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर यानी एडमिटिंग पार्टनर। तो हिडन गुडविल किसको बोलेंगे, यानी कि गुडविल का अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है और आपको नेट एसेट के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्पेशली हिडन गुडविल पे, ठीक है। ये है हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 34, क्या बोल रहा है, हेमंत निशांत वे पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, देयर कैपिटल वेयर 1,60,000 एंड 1 लाख, दे एडमिटेड सोमेश ऑन दैट डेट फॉर 1/5 शेयर, सोमेश शेयर कितना हो गया हमारा, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे बस इसमें यही देखेंगे, सोमेश शेयर इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। लेट द नेट एसेट ऑफ फर्म बी एक्स, तो सोमेश शेयर कितना हो जाएगा, सोमेश
शेयर इज इक्वल्स टू एक्स बाई फाइव हो गया हमारा, और x by 5 के corresponding वो capital कितना ला रहे हैं हमारा 120,000, तो x by 5 is equal to 120,000, तो यहां से मेरा x यानी net asset कितना निकल गया 120,000 into 5, 6 लाख हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां से hidden goodwill निकल जाएगा हमारा, तो hidden goodwill क्या हो जाएगा, hidden goodwill 6 लाख, ये वाला 6 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है पहला, तो 120,000 हो जाएगा इसका सुमेश का और उन दोनों जो पुराने वाले ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट 160,000 और 1 लाख माइनस 160,000 और माइनस 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 120,000, सर 220,000 हो गया, 220,000 हो गया। अब अकॉर्डिंगली ये पूरा आगे का सॉल्यूशन आप कर देंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मांगा था इन्होंने, बोला था कि सुमेश ब्रॉट इन इतना एज इज कैपिटल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द सुमेश एडमिशन, सुमेश कितना ला रहा है 120,000, तो पहला जनरल एंट्री क्या होगा कर ही लेते हैं, पहला जनरल एंट्री होगा बैंक कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सोमेश कैपिटल, कितना लाया था 120,000 और 120,000। अब एक बात और कर लेते हैं, फर्म का गुडविल तो निकल गया 120,000, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल, फर्म का गुडविल है 120,000, सोमेश का शेयर कितना था हमारा 1/5, तो इनटू 1/5 तो ये हो गया 24,000, यानी सुमेश कितना लाएगा 24,000, लेकिन सुमेश मान के चलते कि सुमेश लाया नहीं अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो फिर क्या करेंगे जनरल एंट्री उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए सुमेश की कैपिटल अकाउंट को सुमेश कैपिटल डेबिट टू या करेंट अकाउंट जो भी हो डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी प्रीमियम ऑन गुडविल, प्रीमियम कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी हो, प्रीमियम ऑन गुडविल कितना था 24,000 और 24,000, और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, क्लियरली आगे तो कुछ बोला नहीं है, तो मान के चलते इन्होंने 3:2 रेशियो में ही दे दिया होगा, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये सुमेश ब्रॉड कैलकुलेटर, देखिए जब एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं बोला ना कि जो इसको 1/5 शेयर मिला किसने दिया क्या दिया, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्टनर ने दिया होगा 3:2 के रेशियो में दिया होगा, ठीक है, ये एजम्पशन होता है, ठीक है। यानी प्रीमियम ऑन गुडविल, अब उनको उनके जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन गुडविल डेबिट 24,000 टू कौन कौन से पार्टनर है, हेमंत और निशांत 3:2 के रेशियो में, टू हेमंत कैपिटल और टू निशांत कैपिटल 3:2 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 14,496। अच्छा एक गलती हो गया मेरे से, ये सुमेश का शेयर 220,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 220,000 इंटू 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 44,000, यानी सुमेश का यहां पे करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी डेबिट होगा, ये एक सेकेंड में करता हूं, ये डेबिट होगा 44,000 से और ये भी 44,000 से, अब ये प्रीमियम ऑन गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 44,000, ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये होगा 26,400 और ये हो जाएगा हमारा 17,600। नरेशन लिख लेंगे, पहला बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सुमेश, दूसरा बीइंग सुमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर प्रीमियम ऑन गुडविल, और फिर अगला बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम ऑन गुडविल बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये भी हो गया। तो यहां पे जाके हमारा सैक्रिफाइसिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया ओवर।
तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।